दोस्तों आज की इस वीडियो में यकीनन कुछ ऐसे गैजेट्स होने वाले हैं जो कि इससे पहले हो सकता है आपने कभी ना देखे हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को अपने पहले गैजेट के साथ। नंबर 10, एक्सिस स्क्रीन फॉर एक्सबॉक्स। अगर आप एक्सबॉक्स में गेमिंग करना पसंद करते हैं तो दोस्तों ये गैजेट आपको खासा पसंद आएगा। अगर आपको एक ऐसी डिस्प्ले की जरूरत है जिसे कि आप पोर्टेबिलिटी के साथ कहीं भी इस्तेमाल कर सकें और एक्सबॉक्स में मजे से गेमिंग कर पाएं तो ये डिस्प्ले आपको काफी पसंद आएगी। इसकी खास बात ये होती है कि ये 11.6 इंचेस की 1080 पिक्सल के रेजोल्यूशन वाली IPS LCD पैनल वाली डिस्प्ले होती है जिसका रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज का रहेगा, जिसे कि आप अपने एक्सबॉक्स के साथ इजीली अटैच कर सकते हैं। इसे एक्सबॉक्स से कनेक्ट करना बेहद आसान रहेगा, आप बस एक क्लिप की मदद से इसे इजीली अटैच कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों साइज में छोटी होने की वजह से आप एक लैपटॉप की तरह इसे कैरी कर सकते हैं, जिससे कि गेमिंग आपकी पोर्टेबिलिटी के साथ कहीं भी की जा सकती है। तो दोस्तों अब एक्सबॉक्स से गेमिंग करने के लिए जरूरी नहीं कि आपको एक बड़ी सी डिस्प्ले की जरूरत हो, आप इस छोटी सी डिस्प्ले की मदद से पोर्टेबिलिटी के साथ गेमिंग के मजे ले सकते हैं। नंबर 9, स्टॉर्म 2। वैसे तो हम लोग मोबाइल फोन चार्जिंग के लिए पावर बैंक्स का इस्तेमाल करते हैं आउटडोर में, लेकिन ज्यादातर जो पावर बैंक्स होती हैं वो देखने में उतनी ज्यादा एट्रैक्टिव नहीं होती। तो अगर आप एक ऐसी पावर बैंक चाहते हैं जिसका लुक काफी यूनिक हो और लोग उसे एक बार जरूर से देखना पसंद करें तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके की पावर बैंक को। इस पावर बैंक की खास बात ये होती है कि इसके पूरे स्ट्रक्चर को ट्रांसपेरेंट बनाया गया है, जिससे कि बैटरी से लेकर आप सर्किट बोर्ड सब कुछ बाहर से ही देख पाएंगे। ये चीज देखने में काफी अच्छी लगती है और सामने की तरफ आपको इसमें एक छोटी सी डिस्प्ले भी दे रखी होगी, जिससे कि आप आउटपुट पावर को मैनेज कर सकते हैं। इसमें 75 वॉट से लेकर 100 वॉट, 30 वॉट और 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। इसका इस्तेमाल ना सिर्फ आप अपने मोबाइल फोन को चार्ज करने बल्कि अपने लैपटॉप, टैबलेट और कैमरास वगैरह को भी चार्ज करने के लिए भी कर सकते हैं। साथ ही इसमें आपको एक DC आउटपुट पोर्ट भी दे रखा होता है, जिससे कि हल्के फुल्के अप्लायंसेस भी ऑपरेट किए जा सकते हैं। इसमें 27,600 mAh की पैनासोनिक की बैटरी इनबिल्ट रहती है, जो कि इसको काफी बेहतरीन बैकअप देती है। साथ ही इसके पावर डिलीवरी मैनेजमेंट सिस्टम से आप ये तय कर सकते हैं कि आप जिस अप्लायंसेस को चार्ज कर रहे हैं उसमें कितना पावर जा रहा है। तो दोस्तों ये कमाल के फीचर्स देखने को मिल जाएंगे आपको इस छोटी सी पावर बैंक में। तो कमेंट करके बताएगा कि आप किस ब्रांड की पावर बैंक को इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। नंबर 8, कैसियो आई। दोस्तों आपने ऐसे बहुत सारी कैमरास देखे होंगे जिनका इस्तेमाल आप एक एक्शन कैमरा के तौर पर कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो डिजिटल कैमरास होते हैं वो काफी नाजुक होते हैं, जिनके गिरने विरने पर उनके खराब होने का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा डिजिटल कैमरा दिखाने वाला हूं जिसका इस्तेमाल आप खास तौर पर स्पोर्ट्स में या फिर एक एक्शन कैमरा के तौर पर कर पाएंगे, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर पूरी तरीके से शॉक प्रूफ और रगेड होता है, जिससे कि आप इसे फ्रीली इस्तेमाल कर सकेंगे। दोस्तों देखने में तो ये आपको कुछ कुछ एक वॉच जैसा लगेगा, लेकिन इसमें कोई डायल नहीं होता बल्कि 6.9 मेगापिक्सल का पावरफुल कैमरा होता है, जो कि वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ आता है। इसके साथ आपको एक इसका ऑफिशियल ऐप भी मिल जाएगा, जिससे कि आप इस कैमरा को कंट्रोल कर सकते हैं और साथ ही अपनी जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज भी कर पाएंगे। इसकी डिजाइन ऐसी होती है कि इसे आप अपने स्पोर्ट्स वियर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही दोस्तों पानी के अंदर या फिर किसी भी तरीके के टेम्परेचर पर ये इजिली परफॉर्म कर पाएगा। तो दोस्तों हो सकता है आपने इससे पहले ऐसा कैमरा कभी न देखा हो, जिसके लिए दोस्तों एक लाइक तो होना चाहिए। नंबर 7, पिक्स बैकपैक। बैकपैक्स का इस्तेमाल हम अपना जरूरी सामान लेकर कैरी करने के लिए करते हैं, लेकिन नॉर्मल किसी भी बैकपैक को देखा जाए तो उसकी डिजाइन कितनी भी बेहतर क्यों ना हो वो उतने एट्रैक्टिव लगते नहीं है। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा बैकपैक दिखाने वाला हूँ जिसे देखकर लोग एक बार जरूर आपकी तरफ पलट के देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरीके का ऐसा बैकपैक होता है जिसके बैक पैनल पर आपको छोटे छोटे LED पिक्सल्स देखने को मिल जाएंगे। ये पिक्सल्स अलग अलग कलर में ग्लो करते हैं, जिन्हें की आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन से। जी हाँ दोस्तों, इसके ऐप में आपको काफी सारे इमोजीज वगैरह देखने को मिल जाते हैं, जिसे की आप सिंक कर अपने बैकपैक पर डिस्प्ले कर सकते हैं, जिससे कि ये चीज देखने में काफी अच्छी लगती है। वहीं इसका इस्तेमाल आप एक नोटिफिकेशन पैनल के तौर पर भी कर सकेंगे, यानी कि अगर आपके मोबाइल फोन पर कोई मैसेज आ रहा है या फिर कॉल आ रहा है तो आपको अपने बैकपैक से ही उसकी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। तो ये चीज देखने में काफी अच्छी लगती है। ये बैग पूरी तरीके से वाटरप्रूफ और डस्टप्रूफ होता है, जिससे कि आप फ्लेक्सिबिलिटी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही नहीं, इसमें सामान रखने के लिए भी प्रॉपर स्पेस होता है, जिससे कि इसमें आपको एक क्विक एक्सेस कंपार्टमेंट दे रखा होता है जिसमें कि आप लैपटॉप वगैरह लेकर कैरी कर सकते हैं और बैग के अंदर भी सामान रखने की पूरी व्यवस्था होती है, जिससे कि आप काफी सारा सामान इस बैकपैक में लेकर कैरी कर सकते हैं। नंबर 6, आर्क लाइट पेडल्स। अगर आप एक प्रोफेशनल साइकिल राइडर हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को अपने साइकिल को रात के समय में विजिबल बनाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि रात के समय साइकिल दूर से दिखाई नहीं देती और पीछे आने वाले लोगों के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है और इससे कहीं ना कहीं आपकी रोड सेफ्टी में भी दिक्कत आती है। तो दोस्तों अपने आप को विजिबल बनाने के लिए इस तरीके की लाइटिंग काफी बेहतर रहेगी, जो कि आपके लिए एक फ्रंट लाइट और टेल लाइट की तरह काम करेगी। जी हाँ दोस्तों, ये पैडल लाइट होती है जिनमें कि आपको दो लाइट के पेयर्स को अपने पैडल पर अटैच कर देना होता है, जिससे कि सामने वाला हिस्सा व्हाइट
व्हाइट कलर में जलेगा जो कि आपके लिए एक हेडलाइट की तौर पर काम करेगा, और बैक लाइट पर आपको रेड कलर की LED देखने को मिल जाएगी जो कि दूर से विजिबल रहती है। पैडलिंग के दौरान आप इसका इस्तेमाल तो इजीली कर ही पाएंगे, वहीं दोस्तों इसे आप डिटैच करके अपने साइकिल के हैंडल बार पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जरूरत पड़े तो इसकी टेल लाइट का इस्तेमाल आप अपने साइकिल के पीछे की तरफ कर पाएंगे। यही नहीं दोस्तों, इसमें स्मार्ट सेट फीचर होता है जिससे कि पैडल में खुद ब खुद डिटेक्ट कर लेता है कि किस तरीके के लाइट के कलर की आपको जरूरत है, यानी कि आगे वाले हिस्सा ऑटोमेटिकली व्हाइट हो जाता है और बैक पर ऑटोमेटिकली रेड कलर आपको देखने को मिल जाएगा। इस गैजेट में आपको अलग अलग लाइटिंग मोड्स भी देखने को मिल जाएंगे जिससे कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही ये डिटैचेबल लाइट्स को आप इजीली चार्ज कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन वाले ही चार्जर से। नंबर 5, लुइस व्यूटन। बात अगर किसी भी पोर्टेबल स्पीकर की करी जाए तो वो साइज में छोटे होते हैं और आप उन्हें इजीली अपने साथ लेकर कैरी कर सकते हैं, तो ये स्पीकर भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन इसका डिजाइन काफी यूनिक होता है किसी भी नॉर्मल पोर्टेबल स्पीकर से। दिखने में तो ये आपको एक छोटे से UFO जैसा लगेगा जिसकी डिजाइन कुछ कुछ एक कोन जैसी रहती है। इसमें चारों तरफ 35 LED लाइट्स लगी होती हैं। ये LED लाइट्स इसकी लुक को और भी ज्यादा इनहेंस कर देती हैं। साइज में छोटा होने की वजह से आप इसे इजीली अपने साथ लेकर कैरी कर सकते हैं, और ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है जिससे कि आप इसमें इजिली म्यूजिक का मजा ले सकते हैं। सिंगल चार्ज पर आप इसे 15 घंटों तक इस्तेमाल कर पाएंगे जो कि इसके साइज को देखते हुए काफी अच्छी बात है, और ओवरऑल डिजाइन में तो ये काफी कमाल का लगता ही है जिसके लिए एक लाइक तो होना ही चाहिए। तो दोस्तों कमेंट करके आप ये बताएगा कि आप किस ब्रांड के स्पीकर इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। नंबर 4, ओमनिया A1। दोस्तों अगर आप एक एप्पल वॉच यूजर हैं या फिर आपकी वॉच मैग्नेटिक वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है तो ये गैजेट खासा आपके लिए बनाया गया है। ये साइज में देखा जाए तो एक तरीके का इतना छोटा सा वायरलेस चार्जर होता है जो कि खास तौर पर आपकी वॉच के लिए ही तैयार किया गया है। ये वायरलेस चार्जर टाइप सी को सपोर्ट करता है जिससे कि इसे आप अपने मैकबुक, टैबलेट या फिर इसी तरीके की चीजों में प्लग करके इजिली इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि ये गैजेट अगर आपके पास है तो आपको वॉच को चार्ज करने के लिए प्रॉपर चार्जर की जरूरत नहीं पड़ती है। आप इसे अपने मोबाइल फोन या फिर टैबलेट या फिर लैपटॉप वगैरह से भी इजिली कनेक्ट करके अपनी वॉच को चार्ज कर पाएंगे। साथ ही टाइप सी पोर्ट होने की वजह से ये टाइप सी वाले चार्जर्स के साथ भी इजीली कनेक्ट हो जाता है जिससे कि आप अपनी वॉचेस को वायरलेसली चार्ज कर सकते हैं। तो ये गैजेट खास तौर पर एप्पल यूजर्स के लिए बनाया गया है। नंबर 3, नेस्ट इलेक्ट्रिक टूथब्रश। आजकल लोग इलेक्ट्रिक टूथब्रश का इस्तेमाल करना काफी पसंद कर रहे हैं, तो अगर आप भी अपने यूज के लिए एक ऐसा ही इलेक्ट्रिक टूथब्रश चाहते हैं जिसमें कि आपको टूथपेस्ट लेने की जरूरत ना पड़े बल्कि आप बटन दबाते ही खुद ब खुद डिस्पेंस हो जाए, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के टूथब्रश को। इसकी खास बात ये रहती है कि इसमें टूथपेस्ट ऑलरेडी फिल्ड रहता है, और जैसे ही आप इसे इसके चार्जिंग डॉक से निकाल के ऑन करते हैं तो फौरन इसमें टूथपेस्ट खुद ब खुद ही आ जाता है, जो कि कहीं ना कहीं देखने के साथ साथ इस्तेमाल करने में काफी मजेदार रहेगा। इसका इस्तेमाल आप पर्सनल यूज के लिए और साथ ही साथ ट्रैवल में भी कर सकते हैं जिससे कि आपको अपने साथ अलग से टूथपेस्ट कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कमेंट करके ये बताएगा कि क्या आपने इससे पहले ऐसा टूथब्रश कभी देखा था या नहीं। नंबर 2, रैप्टिक। सेफ्टी पर्पस अक्सर हम चीजों को लॉक कर देते हैं, और अगर आप भी एक ऐसा एडवांस लॉकिंग मैकेनिज्म चाहते हैं जिसे कि आप इजीली ट्रैक कर सकें तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस गैजेट को। दोस्तों देखने में तो ये आपको एक छोटी सी कार्बाइनर क्लिप जैसा लगेगा, लेकिन इस क्लिप के साथ एक छोटा सा लॉक भी अटैच रहता है जिसे कि आप पिन डालकर ओपन कर सकते हैं। इसके बीचों बीच आपको एप्पल का एयर टैग भी लगा हुआ देखने को मिल जाता है जिससे कि इस लॉक को इजीली ट्रैक किया जा सकता है, यानी कि ये लॉक थोड़ा सा एडवांस लॉक इसलिए हो जाता है कि इसे इजीली मोबाइल फोन से ट्रैक किया जा सकता है। और यही नहीं दोस्तों, इसका इस्तेमाल आप एप्पल एयर टैग को कहीं पर भी सेटअप करने के लिए कर सकते हैं, यानी कि अगर आप अपने बैग वगैरह में एप्पल एयर टैग को लगाना चाहते हैं तो इसकी मदद से आप उसमें अटैच कर पाएंगे जिससे कि कोई भी रिमूव नहीं कर पाएगा आपके एयर टैग को आपके बैग से। तो ये एक कमाल की टेक्नोलॉजी मिल जाती है जो कि कहीं ना कहीं चीज और सामान को खोने से बचाती है। नंबर 1, ओमनीफॉब। दोस्तों आजकल लोग डिवाइसेस को रिमोटली कंट्रोल करना काफी पसंद कर रहे हैं, और ये गैजेट भी कुछ ऐसा ही होता है जो कि आपको डिवाइसेस को रिमोटली कंट्रोल करने के फीचर्स देता है। जी हाँ दोस्तों, देखने में तो ये एकदम छोटा सा रिमोट लगता है, लेकिन इसका इस्तेमाल आप अपने घर के अप्लायंसेस, अपनी कार या फिर अपने डोर लॉक को भी कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं। इस छोटे से रिमोट में ऑन एंड ऑफ और लॉक इन और अनलॉकिंग के फीचर्स होते हैं जिससे कि आप अपनी चीजों को कंट्रोल कर पाएंगे। बस इसे आपको अपने मोबाइल फोन के साथ सेटअप कराना है, जिसके बाद डिवाइस टैग करते ही आप इजीली उस डिवाइस को कंट्रोल कर सकेंगे। काफी सारे डिवाइसेस को कंट्रोल करने की सुविधा देता है जिसके लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है। कमेंट करके बताएगा ये गैजेट आपको कैसा लगा है। वहीं इस वीडियो का सबसे बेहतरीन गैजेट आपके हिसाब से कौन सा रहा है, ये बात भी आप हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो लाइक करेगा। वीडियो में दिखाएगा किसी भी गैजेट को अगर आप खरीदना चाहते हैं या फिर उसकी प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में तब तक नमस्कार, जय हिंद, देखते रहिए न्यूटेक गैजेट्स।